इस कहानी की शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन कंपनी के स्पेस क्राफ्ट को दिखाया जाता है जो सैंपल लेकर अर्थ पर वापस लौट रहा होता है, लेकिन तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है जिससे वो स्पेस क्राफ्ट धरती पर क्रैश हो जाता है। फिर लाइफ फाउंडेशन की टीम वहां पहुंच जाती है और उस जगह को अच्छी तरीके से चेक करने लग जाती है। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन के CEO कार्लटन ड्रेक को दिखाया जाता है जो भी ये सब कुछ लाइव देख रहा होता है। वो अपने स्टाफ से पूछता है कि क्या हमारे सारे सिम्बियोट सही सलामत है, तो उन्हें बताते हैं कि हमारे पास ये 3 ही सिम्बियोट सैंपल हैं और उनमें से एक सिम्बियोट ऑर्गेनिज्म कंटेनमेंट से गायब हो गया है। दरअसल सिम्बियोट एक अजीब तरह के क्रिएचर होते हैं जिसे ड्रेक एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस से ला रहा होता है। ड्रेक की टीम स्पेस क्राफ्ट से बचे हुए 3 सिम्बियोट को सही सलामत बाहर निकाल लेती है। तभी वहाँ एक नर्स नोटिस करती है कि एक एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा जा रहा होता है। वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एस्ट्रोनॉट अचानक से उड़ जाता है और वो नर्स और ड्राइवर पर हमला करके उन्हें मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिम्बियोट गायब हुआ था वो उसी एस्ट्रोनॉट के अंदर था। उस सिम्बियोट का नाम राइट होता है और वो उन सभी सिम्बियोट में सबसे खतरनाक सिम्बियोट होता है। वो सिम्बियोट नर्स की बॉडी में चला जाता है और वो वहाँ से निकल कर सिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके हाथ में लाइफ फाउंडेशन का एक बेज भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि बाकी सिम्बियोट उसी कंपनी में होते हैं। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में एडी और एन को दिखाया जाता है जिन दोनों की जल्दी शादी होने वाली होती है। एन एक लॉयर होती है, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एडी को उठाकर उसे बताती है कि वो लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ने जा रही है और वो एडी को उसकी मीटिंग में जाने का याद दिलाती है। फिर एडी भी तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है क्योंकि एडी एक रिपोर्टर होता है और उसका द एडी ब्रोक शो बहुत फेमस होता है। वो सारी न्यूज को कवर करके अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वो अपने बॉस से मिलता है जिसका नाम जेक होता है। जेक उसे कहता है कि तुम्हें कल कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेना है और वो तुमसे रॉकेट के बारे में बात करना चाहता है। वो कहता है कि उसके रॉकेट सेफ है और वो क्रैश सिर्फ एक हादसा था। तो एडी उसे कहता है कि कार्लटन ड्रेक कमीना है। तो जेक उसे कहता है कि वो हमारे नेटवर्क को चुटकियों में खरीद सकता है और वो हमें बर्बाद भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें कल सिर्फ उससे उसके स्पेस प्रोग्राम के बारे में पूछना होगा और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से वापस आ जाना होगा। तो एडी जेक को कहता है कि मैं ऐसे लोगों की पोल खोलता हूँ, इसीलिए मैं उसकी तरफदारी नहीं कर सकता। तो जेक उसे समझाता है कि नेटवर्क से बड़ा कुछ नहीं होता, इसीलिए तुम मुझ पर एहसान करना कि तुम वहाँ पर कोई भी गलती मत करना। एडी भी मान जाता है। फिर रात को जब एडी सो रहा होता है तो उसे रात को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए बाहर आ जाता है जहाँ वो एन के लैपटॉप में अपनी और एन की पिक्चर्स देखने लग जाता है। लेकिन तभी एन के लैपटॉप में लाइफ फाउंडेशन की एक मेल आती है और एडी उस मेल को ओपन कर लेता है जिससे उसे पता चलता है कि कार्लटन ड्रेक पर एक्सपेरिमेंट में हुई 3 लोगों की मौत का इल्जाम है। वहीं अगले दिन एडी जब कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है तो पहले तो कार्लटन ड्रेक से रॉकेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर एडी उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि लाइफ फाउंडेशन कैसे काम करती है और तुम लोगों पर कैसे कैसे टेस्ट करते हो। एडी के साथ आई न्यूज रिपोर्टर एडी को ऐसे क्वेश्चन पूछने से मना करती है और कहती है कि हम यहाँ रॉकेट के बारे में क्वेश्चन करने आए हैं। तो एडी कहता है कि मुझे रॉकेट के बारे में बात नहीं करनी, मैं सच जानना चाहता हूँ। तो कार्लटन उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो एडी उसे कहता है कि तुम पर इल्जाम है कि तुम्हारी कंपनी लाशों पर बनी हुई है और तुम्हारे टेस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि इसमें लोगों की जान तक चली जाती है और तुम पर 3 लोगों की मौत का इल्जाम है। ये देखकर कार्लटन गार्ड को उन्हें यहाँ से बाहर निकालने को कहता है और उनका कैमरा भी बंद करवा देता है। साथ ही वो एडी के साथ आई रिपोर्टर को इस न्यूज को लाइव न करने के लिए पैसे भी देता है। गार्ड उन सबको बाहर निकाल रहे होते हैं तो कार्लटन एडी को धमकी देता है कि तुम अब नहीं बचोगे। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी को जेक नौकरी से निकाल देता है। वहीं एन को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि एडी को इन लीगल केसेस के बारे में एन से ही पता चला है। एडी एन से मिलने आता है लेकिन एन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, इसीलिए वो एडी को उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस लौटा देती है और उसे कहती है कि आज से हमारा रिश्ता यही खत्म हो गया, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एडी बहुत उदास हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक लाइफ फाउंडेशन में एंटर करता है और ये वही ट्रक होता है जिसमें वो तीनों सिम्बियोट के कैन रखे हुए होते हैं। ड्रेक उन क्रिएचर को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जिसके अंदर राइट सिम्बियोट होता है। वो चलते चलते एक टाउन तक पहुंच जाती है जहां पर वो एक दुकान पर रखी ईल को उठाकर खाने लग जाती है। तो दुकानदार उसे रोककर पैसे मांगने लगता है तो सिम्बियोट अपनी पावर से उस दुकानदार को वहीं मार देता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वो उन
सभी को भी मार देता है और फिर वो सिम्बियोट एक ओल्ड लेडी के अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें 6 महीने बाद लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर स्कर्ट उन सिम्बियोट पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है क्योंकि उन सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए एक ऐसे होस्ट की जरूरत होती है जो सांस लेता हो ताकि ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में ये सिम्बियोट जिंदा रह सके। लेकिन कार्टन उसे पूछता है कि ये सिम्बियोट इन सभी होस्ट के शरीर को क्यों नहीं अपना रहे क्योंकि अभी तक उन्होंने 35 एनिमल पर इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया था लेकिन किसी भी एनिमल की बॉडी को सिम्बियोट ने नहीं अपनाया। फिर वो उस रैबिट पर भी सिम्बियोट की बॉन्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और इस बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। वो सिम्बियोट उस रैबिट से कनेक्ट कर जाता है। ये देखकर ड्रेक बहुत खुश होता है लेकिन वो डॉक्टर स्कर्ट से पूछता है कि सिम्बियोट ने सिर्फ इस रैबिट के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाया तो स्कर्ट उसे बताती है कि ये प्रोसेस एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी ही प्रोसेस है जिसमें डोनर और रिसेप्टर कंफर्टेबल होने चाहिए। तो कार्टन उसे कहता है कि हमने सिम्बियोसिस हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि ये सिम्बियोट न सिर्फ यहाँ जिंदा रह पाएंगे बल्कि हम भी स्पेस में जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए वो कर्ट को इंसानों पर टेस्ट शुरू करने को कहता है तो कर्ट उसे मना करती है और कहती है कि अभी इसमें टाइम है। तो कार्टन कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसीलिए तुम्हें अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। ये सुनकर कर्ट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे ड्रे की बात माननी पड़ती है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठा हुआ होता है। वो शराब पीकर घर की तरफ निकल जाता है जहाँ वो मिसेज चेन की शॉप में सामान लेने जाता है। तभी वहाँ एक गुंडा मिसेज चेन को धमकाकर उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है लेकिन एडी कुछ नहीं करता और वो अपने घर चला जाता है। एडी अगले दिन सभी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर देता है लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं देता। यहाँ तक कि उसे बर्तन मांजने तक का काम नहीं मिलता। एडी का भी परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर कार्टन गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो आइजेक नाम के आदमी को एक सिम्बियोट के साथ एक कैप्सूल में बंद कर देता है और फिर वो सिम्बियोट को आजाद करवा देता है। वो सिम्बियोट उस इंसान के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो उसके शरीर में समा जाता है। थोड़ी देर तक तो आइजेक नॉर्मल होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिम्बियोट उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि वो सिम्बियोट के सेल आइजेक के सेल से मैच नहीं खा रहे थे। वो सिम्बियोट आइजेक को वहीं तड़पा तड़पा कर मार देता है और फिर उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कार्टन को इंसानों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टेस्ट करने के लिए दूसरे इंसान को लाने को कहता है। डॉक्टर स्कर्ट को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे उन मासूम इंसानों के लिए बहुत बुरा लगता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। इसीलिए वो सबसे छिपकर एडी से एक शॉप में मिलती है। वो उसे बताती है कि मेरा नाम डोरा स्कर्ट है और मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एडी लाइफ फाउंडेशन का नाम सुनते ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि ड्रेक ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी होती है। स्कर्ट उसे कहती है कि कार्टन ड्रेक अपनी लैब में गरीब लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो सबके सब मारे जा रहे हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम भी तो उसी के लिए काम करती हो इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तो स्कर्ट उसे कहती है कि मैंने ड्रेक पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोगों की भलाई के लिए कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तो बात कुछ और ही है। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो स्कर्ट उसे कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि ड्रेक बहुत ही खतरनाक और सनकी इंसान है जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एडी उसे कहता है कि मैं सब जानता हूं क्योंकि जब मैंने पहली बार उसका इंटरव्यू लिया तो अगले ही दिन ड्रेक ने मुझसे वो सब चीजें छीन ली जिसकी मुझे परवाह थी इसीलिए अब मैं इस मसले में नहीं पड़ सकता। और फिर वहाँ से चला जाता है। वो एन के घर की तरफ जाता है ताकि उससे माफी मांग सके लेकिन वहाँ एन नहीं होती। तभी एन अपने नए बॉयफ्रेंड डेन के साथ वहाँ आती है। डेन एक डॉक्टर होता है। एडी एन को डेन के साथ देखकर बहुत सैड हो जाता है। एन एडी से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो एडी उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसीलिए क्या हम फिर किसी तरह एक हो सकते हैं। तो एन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। ये सुनकर एडी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। वो ब्रिज पर खड़ा इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे लाइफ फाउंडेशन कंपनी दिखाई देती है और वो डिसाइड करता है कि वो कार्टन ड्रेक को उसके काले कारनामों की सजा जरूर देगा। और फिर वो डॉक्टर स्कर्ट के दिए हुए नंबर पर उसे कॉल करता है और उसे सब कुछ सच बताने को कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्कर्ट एडी को अपनी कार में छुपाकर लाइफ फाउंडेशन की कंपनी के अंदर लेकर जाती है ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके। स्कर्ट एडी को बताती है कि अर्थ पर इंसानों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है लेकिन अभी भी हम अर्थ जैसे दूसरे प्लेनेट पर बसने के लिए हजारों साल दूर है। मगर फिर भी ड्रेक ऐसे प्लेनेट को ढूंढने के लिए अपने प्राइवेट रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पर रहा जा सके। तो एडी उससे पूछता है कि ये सब मैं समझ रहा हूँ लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो लोगों को कैसे मार रहा है। तो उसे बताती है कि ड्रेक ने ऐसे प्लेनेट ढूंढने के लिए एक स्पेसशिप भेजा था और
और जब वो स्पेसशिप लौट रहा था तो उन्हें एक कॉमेट दिखाई दिया जिसमें शिप के कंप्यूटर ने लाइफ की मौजूदगी दिखाई जहाँ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म थे और हमारा शिप उनमें से कुछ सैंपल को ले आया। तो एडी समझ जाता है कि वो एलियन की बात कर रही है। तो स्कट उसे कहती है कि हम उन्हें एलियन नहीं कहते, हम उन्हें सिम्बियोट कहते हैं, लेकिन वो सिम्बियोट होस्ट के बिना हमारे एनवायरमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ड्रेक का मानना था कि इंसान और सिम्बियोट का संगम दूसरे प्लेनेट पर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत मायने रखता है। और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इस रिसर्च को करने का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, वो बस सिर्फ लोगों की बलि चढ़ा रहा है। तभी उन्हें किसी गार्ड के आने की आवाज आती है तो इसका डैडी को उस लैब में भेज देती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ उसे किसी भी चीज को छूने से मना करती है और फिर वो उस गार्ड को उधर जाने से रोक लेती है। वहीं एडी उन सभी कैप्सूल को देखता है जिनके अंदर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। वो उन सभी की फोटो क्लिक करने लग जाता है। तभी वो वहाँ देखता है कि एक कैप्सूल में एक लेडी बैठी हुई है और वो चिल्लाने लगती है कि मदद करो, और ये वही लेडी होती है जो एडी के घर के पास भीख मांगा करती है। एडी उसे जानता था इसीलिए उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो गेट खोलने के लिए पासवर्ड टाइप करता है लेकिन वो रॉन्ग होते हैं जिससे वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। एडी ये देखकर उस कैप्सूल का गेट तोड़ देता है और गेट के टूटते ही वो लेडी एडी पर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर सिम्बियोट होता है और वो सिम्बियोट उस लेडी के थ्रू एडी के अंदर चला जाता है और वो लेडी वहीं मर जाती है। एडी वहाँ से भागने लग जाता है। कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर एडी को रोकने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एडी के अंदर बहुत पावर आ गई है और वो उन सिक्योरिटी ऑफिसर को वहीं ढेर कर देता है। वो बाहर भागता है तो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर एडी के पीछे पड़ जाते हैं। एडी बाउंड्री तोड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उस सिम्बियोट की वजह से एडी में बहुत पावर आ गई होती है। एडी हर सामने आती चीज को तोड़कर आगे बढ़ रहा होता है लेकिन एक जगह जाकर उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। लेकिन तभी एडी अचानक से गायब हो जाता है। उन सभी गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आता और सभी जगह एडी को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि एडी तो उस पेड़ के टॉप पर चढ़ गया होता है क्योंकि एडी के अंदर एक सिम्बियोट था, उसका नाम वेनम होता है, जिसकी वजह से वो इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया होता है। एडी फिर घर पहुँचता है जहाँ उसकी हालत बहुत खराब होने लग जाती है। उसे बहुत भूख लगती है और वो इधर उधर से चीजें ढूंढकर खाने लग जाता है जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। वो सुबह उठता है तो उसे वेनम की आवाज सुनाई देने लग जाती है जिससे डरकर वो दीवार से टकरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है जहां पर सारे साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि जो भी कल लैब में घुसा था वो एक सिम्बियोट को अपने साथ ले गया है। ड्रेक उस इंसान का पता लगाने को कहता है क्योंकि ड्रेक के पास अब सिर्फ एक ही सिम्बियोट रह गया था और वो उस सिम्बियोट को एक इंसान पर टेस्ट कर रहा होता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो जैसे ही होश में आता है तो उसे अपने रूम का ऐसा हाल देखकर कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उन फोटोग्राफ को देखता है जो कल उसने लैब में क्लिक की होती है। फिर वो एन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे वो पिक्चर्स दिखाने लगता है। तभी एन नोटिस करती है कि एडी ने शराब पी हुई है और उसे बहुत तेज बुखार है। तभी एडी बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो दूसरों की टेबल से खाना उठाकर खाने लग जाता है लेकिन उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती क्योंकि सिम्बियोट को जिंदा चीजें खाना अच्छा लगता है। सब लोग एडी की हरकतें देखकर बहुत डर जाते हैं। एडी कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और वो पानी के अंदर बैठ जाता है। मैनेजर एडी की ये हरकतें देखकर पुलिस को कॉल लगाने लगती है तो डैन उन्हें पुलिस को कॉल करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ इसीलिए आप एम्बुलेंस बुलाइए, मैं इसका इलाज करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैन अपने हॉस्पिटल में एडी का MRI कर रहा होता है। वो MRI मशीन को ऑन कर देता है। MRI मशीन की तीखी आवाज से एडी बहुत तड़पने लग जाता है क्योंकि सिम्बियोट को हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से प्रॉब्लम होती है। एडी को ऐसे चिल्लाता देख डैन MRI मशीन को बंद करने को कहता है और वो एडी को बाहर निकालता है। एडी वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर एडी वापस से अपने घर चला जाता है। वहीं हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो अपने लैब में होता है और साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि हम जिस इंसान पर सिम्बियोट का टेस्ट कर रहे हैं वो पहले तो नॉर्मल था और उन दोनों की बॉडी आपस में मैच भी खा रही थी, लेकिन अब वो सिम्बियोट होस्ट के शरीर को अंदर से खा रहा होता है इसीलिए अब हमें नए होस्ट की जरूरत होगी। वहीं हमें डॉक्टर स्कट को दिखाया जाता है जो जब अपनी लैब में पहुंचती है तो सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि कल रात वही किसी इंसान को लैब में लेकर आई थी। और फिर सिक्योरिटी हेड ट्रेस डॉक्टर स्कट को ड्रेक के पास ले जाकर उसे सारी बात बता देता है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर खाना पका रहा होता है कि तभी उसे एन का कॉल आता है और उसे बताती है कि डैन ने जो तुम्हारा टेस्ट किया है उसे पता चला है कि तुम्हारे अंदर एक वायरस चला गया है और डैन उसे कहता है कि हम कल तुम्हें कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे तुम ठीक हो जाओगे। तभी एडी को अपने अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है जो असल में वेनम बोल रहा होता है। फिर एडी को कुछ होने लग जाता है इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। वहीं हमें डॉक्टर स्कट को दिखाया जाता है जो ड्रेक को बता रही होती है कि
इन खतरनाक एक्सीडेंट से मैं डर गई थी, इसीलिए मैं उस इंसान को अपने साथ लेकर आई थी। तो ड्रेक उसे पूछता है कि तुम अपने साथ किसे लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर स्कॉट उसे कुछ नहीं बताती। तो ड्रेक उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा दोस्त जिंदा रहे तो तुम्हें मुझे उसका नाम बताना होगा, क्योंकि जो सिम्बियोट तुम्हारे दोस्त के पास है उससे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे यहाँ लेकर आना होगा ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। और साथ ही उससे प्रॉमिस करता है कि मैं आज से अपना काम का तरीका बदल दूंगा। तो स्कॉट भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे बता देती है कि मैं एडी ब्रॉक को अपने साथ लेकर आई थी। ये सुनते ही ड्रेक उसे धोखा देता है और उसकी लैब में उस सिम्बियोट को छुड़वा देता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जिसके रूम के गेट को कोई नॉक करता है, और जब एडी दरवाजा खोलता है तो ड्रेक के आदमी होते हैं। ट्रेस अपने सभी आदमियों को एडी को पकड़ने को कहता है और वो अपने इलेक्ट्रिक गन से एडी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी वेनम एडी की बॉडी से निकलकर उन सभी को मारने लग जाता है और वो एक एक करके उन सभी आदमियों को मार देता है। एडी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वेनम भी उसके अंदर से उससे बातें कर रहा होता है। एडी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ ट्रेस के और साथी भी आ जाते हैं और वो एडी पर फायर करने लगते हैं। तो एडी खिड़की से वहाँ से भाग जाता है। ट्रेस ये देखकर ड्रेक को कॉल करके सब बताता है और उसे लाइव फुटेज भेजता है। तो ड्रेक ये देखकर बहुत खुश होता है कि एडी ने सिम्बियोसिस हासिल कर ली है, और फिर वो ट्रेस को कैसे भी करके उस सिम्बियोट को वापस लाने को कहता है। वहीं एडी जब घर से भाग रहा होता है तो कार की विंडो में देखता है तो उसे वेनम दिखाई देता है। एडी को विश्वास नहीं होता है कि वो सच में है, उसे लगता है कि वो सिर्फ उसका वहम है। तभी वहाँ ट्रेस के डॉन एडी को ढूंढ लेते हैं। ये देखकर एडी बाइक लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। ट्रेस अपनी सारी टीम को वहाँ बुला लेता है और वो सारे फाइटर ड्रोन को एडी के पीछे लगा देता है। वो ड्रोन एडी पर अटैक कर रहे होते हैं। ये देख वेनम बाइक को फुल स्पीड में चलाने लग जाता है और वो दोनों एक एक करके सारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ड्रेक भी ये सब देख रहा होता है और वो ट्रेस को कहता है कि एडी किसी भी तरीके से बचकर नहीं जाना चाहिए। तो ट्रेस अपनी सारी कार को एडी के पीछे लगा देता है। वेनम एडी को बचाकर उनसे भाग रहा होता है। एडी भी वेनम की पावर देख बहुत खुश होता है। वेनम फुल स्पीड में बाइक को चला रहा होता है और ट्रेस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन एक जगह जाकर वो दोनों कार एडी को घेर लेती है, लेकिन तभी वेनम उन दोनों कारों को ब्लास्ट करवा देता है। यह देखकर एडी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी सामने से ट्रेस गाड़ी लाकर एडी की बाइक को जोर से हिट कर देता है जिससे एडी के हाथ पैर टूट जाते हैं। ट्रेस एडी को कहता है कि तुमने मुझे बहुत भगाया है, जितना मुझे आज तक किसी ने नहीं भगाया। लेकिन तभी वेनम अपनी पावर से एडी की सारी टूटी हुई हड्डियां जोड़ देता है और ट्रेस पर अटैक कर देता है। वेनम अब अपने पूरे शेप में आ जाता है और वो ट्रेस को खाने वाला होता है कि तभी वहाँ एक ऑफिसर वेनम पर गोली चला देता है, जिससे वेनम ट्रेस को दूर फेंक देता है और उस ऑफिसर का शरीर चबा जाता है। पुलिस उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन तभी वेनम भागकर पानी में कूद जाता है और फिर वो एडी को नदी के किनारे पर लेकर जाता है। तभी एडी के अंदर से वेनम का फेस बाहर निकल कर आता है और वो उसे बताता है कि मैं वेनम हूँ और तुम मेरे होस्ट हो। एडी उसे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो वेनम उसे कहता है कि मुझे कार्लटन ड्रेक के ऑफिस में जाना है। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तो वेनम उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। एडी उसे पूछता है कि क्या तुम और इंसानों को भी खाओगे, तो वेनम उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि इंसान होते इतने लजीज है, इसीलिए तुम अब मेरी अच्छे होश की तरह खातिरदारी करो और मैं तुम्हें सभी मुसीबतों से बचाऊंगा। वही हमें दिखाया जाता है कि रॉयट सिम्बियोट जिस ओल्ड लेडी के अंदर होता है वो उसमें से निकलकर एक छोटी लड़की में चला जाता है और अब वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं फिर हमें एन को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है, तो उसे डेन का कॉल आता है और उसे बताता है कि एडी के टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी बॉडी लिवर एबनॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं, इसीलिए तुम्हें उसे जल्दी से यहाँ लेकर आना होगा। एन ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास बचा हुआ आखिरी सिम्बियोट भी मारा गया होता है। वहीं एन एडी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वो पूरा इलाका पुलिस ने सील कर दिया होता है और ऑफिसर कहते हैं कि हमने इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया है और पूरे शहर में लाशें बिछी हुई है, इसीलिए आपको घर जाना चाहिए। एन ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो उस न्यूज कंपनी में जाता है जहाँ वो काम करता था, ताकि वो जेक को वो सबूत दे सके जो उसने ड्रेक के खिलाफ इकट्ठे किए थे। तभी एडी को एन का कॉल आता है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो एडी उसे मिलने से मना कर देता है और उसे अपने आप से दूर रहने को कहता है। फिर वो बिल्डिंग में जाता है और वो अपने दोस्त रिचर्ड को उसे जेक से मिलवाने को कहता है, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरी नौकरी चली जाएगी। एडी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वेनम उसे कहता है
कि अगर तुम्हें ऊपर जाना ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। और फिर वेना मेडी को सीधे ही बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और फिर वो जेक के ऑफिस में जाते हैं, जहां वो जेक के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि मेरा ये आखिरी काम कर देना। और वो वहां अपने मोबाइल को भी छोड़ देता है क्योंकि उसमें ही वो सबूत होते हैं। फिर वेना मेडी को वहां से नीचे छलांग लगाने को कहता है, लेकिन एडी को ऊंचाई से डर लगता था इसीलिए वो लिफ्ट से नीचे जाता है। लेकिन नीचे आर्मी एडी का पहले से ही इंतजार कर रही होती है और वो एडी को अपने हाथ ऊपर करने को कहते हैं। तभी एडी उन्हें कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और फिर एडी वेनम को उन पर हमला करने को कहता है। वेनम अपने शेप में आ जाता है, वो सारे ऑफिसर वेनम पर गोलियां चलाने लग जाते हैं लेकिन वेनम को कुछ नहीं होता और वो एक एक करके सबको मार देता है। एन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो वेनम को देख कर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी एडी वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो एन को समझाता है कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि वो सिम्बियोट है जो मेरे ऊपर हावी है। यह सुनकर एन एडी को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है, वो उसे कार में बैठने को कहती है लेकिन एडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तुम्हें वेनम से खतरा है। तो वेनम एडी को कहता है कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा और फिर एडी कार में बैठ जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एन उसे कहती है कि डेन को तुम्हारा एमआरआई करना है, तो वेनम एडी को एमआरआई करवाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बियोट को हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से प्रॉब्लम होती है। और फिर एडी ये बात एन को बताता है तो वेनम उसे ये भी बताता है कि हमें आग से भी खतरा होता है। तो एन समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहीं फिर हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो अपने लैब में होता है कि तभी वहाँ एक छोटी लड़की उस लैब में आ जाती है और ये वही लड़की होती है जिसके अंदर रोइड सिम्बियोट होता है। और फिर वो सिम्बियोट ड्रेक पर हमला करके उसके अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एन एडी को लेकर डेन के पास जाती है। डेन एडी को कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है और जो क्रिएचर तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो वेनम एडी को मन में कहता है कि तुम उसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें अपनी पावर से ठीक कर सकता हूँ। डेन उसे कहता है कि वो तुम्हें अंदर से मार रहा है इसीलिए तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना होगा। वेनम ये सुनकर डेन पर अटैक कर देता है। ये देखकर एन एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है जिससे वेनम को उस साउंड से प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो एडी के शरीर से अलग हो जाता है। ये देखते ही डेन वेनम को एक रूम में बंद कर देता है। एडी वेनम को कहता है कि हमारी साथ रहने की डील हुई थी लेकिन फिर भी तुम मुझे मार रहे थे। और फिर एडी वहाँ से चला जाता है। डेन एन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और अब हम इस क्रिएचर का क्या करेंगे। तभी वो देखते हैं कि वेनम वहाँ से भाग गया है। वेनम वहाँ से निकलकर एक डॉक के अंदर चला जाता है। वहीं एडी जब लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है कि तभी ट्रेस वहाँ आ जाता है और वो एडी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वेनम भी ये सब कुछ देख लेता है क्योंकि वो उस डॉक के अंदर चला गया था। फिर वेनम को एन दिखाई देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस एडी को पकड़कर ड्रेक के पास ले जाता है। ड्रेक एडी से पूछता है कि मुझे बता दो वेनम कहाँ है। तो एडी कहता है कि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है और मुझे पता होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। तभी ड्रेक के अंदर से राइट सिम्बियोट बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो राइट सिम्बियोट उस लड़की से ड्रेक के अंदर चला गया है। राइट एडी से कहता है कि मुझे बता दो कि वेनम कहाँ है लेकिन एडी उसे कुछ नहीं बताता। तो ड्रेक एडी को खत्म करने को कहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ड्रेक राइट से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उन्हें जिंदा नहीं रख पाया। तो राइट उसे कहता है कि हमारे जैसे लाखों है, बस हमें उन्हें स्पेस से यहाँ लाना होगा। तो ड्रेक उसे कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस एडी को मारने के लिए जंगल में लेकर जाता है क्योंकि उसे बहुत ही भयानक मौत देना चाहता था। लेकिन तभी वेनम वहाँ आ जाता है जो एन की बॉडी में होता है और वो ट्रेस के दोनों आदमियों को मार देता है। फिर वो ट्रेस का सर चबा जाता है और फिर वेनम वापस से एडी के अंदर चला जाता है। वेनम एडी को बताता है कि ड्रेक के अंदर जो सिम्बियोट है वो राइट है। तो एडी उसे पूछता है कि ये राइट कौन है। तो वेनम उसे बताता है कि राइट हमारी टीम का लीडर है और हथियार चलाने में वो बहुत माहिर है। वेनम वहाँ जाने के लिए निकलता है लेकिन तभी एन भी साथ चलने को कहती है मगर वेनम उसे साथ चलने से मना कर देता है। वहीं हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो स्पेस में जाकर और भी सिम्बियोट को ला सके। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे वेनम कहता है कि हमें राइट को रोकना होगा नहीं तो मेरे जैसे करोड़ों को धरती पर लेकर आ जाएगा और फिर वो इंसानों पर राज करेंगे। तो एडी उसे कहता है कि तुम भी तो यही चाहते हो ताकि तुम इंसानों को खा सको। तो वेनम उसे कहता है कि अब मेरा इरादा बदल गया है और अब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है क्योंकि मैं मेरे प्लेनेट पर तुम्हारी तरह लूजर था लेकिन यहाँ मैं बॉस हूँ इसीलिए अब हम दोनों को साथ मिलकर राइट को रोकना होगा। फिर वो दोनों रॉकेट की तरफ निकलते हैं। वहीं फिर हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जिसकी टीम रॉकेट को चेक कर रही होती है लेकिन ड्रेक उन्हें चेक करने से मना करता है और फिर वो खुद रॉकेट को एक्टिवेट कर देता है और रॉकेट अगले 5 मिनट में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक साइंटिस्ट
रॉकेट को लॉन्च होने से रोकने लगता है। ड्रेक को इसके बारे में पता चल जाता है और रायट अपने पूरे शेप में आकर उसे मार देता है। सब रायट से डरकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर रायट रॉकेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेनम भी वहाँ पहुँच चुका होता है। एडी रायट को देखकर डर जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। एडी वेनम को कहता है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम उसे हरा दोगे? तो वेनम उसे कहता है कि ये वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, इसलिए हमारी जीतने की उम्मीद 0% है। फिर वेनम रायट को रोकने के लिए जाता है। रायट वेनम को भी अपने साथ होने को कहता है, लेकिन वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो रायट वेनम पर अटैक करने लग जाता है। वेनम उसके हर वार से बचता जाता है और वो भी रायट पर अटैक करता है, जिससे रायट समझ जाता है कि उसका होश ताकतवर है। लेकिन वो उसे कहता है कि फिर भी तुम उससे नहीं जीत सकते, और फिर रायट वापस से उस पर अटैक करने लग जाता है। वेनम उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी रायट अपनी बॉडी से स्पाइक निकालकर वेनम को इंसर्ट कर देता है और फिर वो उसे बहुत मारता है। वहीं हमें एंड को दिखाया जाता है जो एडी और वेनम की मदद करने के लिए लाइफ फाउंडेशन में पहुंच चुकी होती है और वो भी ये सब कैमरों की मदद से देख रही होती है। वहीं रायट वेनम को एडी से अलग करके उसे खाने ही वाला होता है कि तभी एडी वापस उठकर वेनम को बचा लेता है और वापस से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रायट वेनम और एडी को भी अपने अंदर समा लेता है, जिससे वो और बड़ा और ताकतवर हो जाता है और फिर वो रॉकेट के ऊपर चढ़ने लग जाता है। एन को ये बात पता थी कि सिम्बियोट को हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो वहाँ बहुत तीखी आवाज में साउंड को ऑन कर देती है, जिससे रायट और वेनम वापस से अलग हो जाते हैं और वो अपने अपने होश से भी अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर एडी और ड्रेक आपस में लड़ने लग जाते हैं। एडी ड्रेक को मारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन तब तक उसे वापस से अपना सिम्बियोट मिल चुका था। और फिर रायट वापस से ऊपर आकर एडी के सीने में शॉट घुसा देता है, जिससे एडी वहीं गिर जाता है। वहीं रायट रॉकेट के ऊपर चढ़ने लग जाता है और वो रॉकेट के अंदर चला जाता है। वहीं एडी मर रहा होता है, लेकिन तभी वेनम वापस से उसके पास आता है और वो एडी को वापस से ठीक कर देता है। रॉकेट लॉन्च हो जाता है, लेकिन तभी वेनम उस रॉकेट पर चढ़ जाता है और वो उस शॉट से रॉकेट के टैंक को चीर देता है, जिससे रॉकेट वहीं ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट में रॉयट और ड्रेक दोनों जलकर वहीं मर जाते हैं क्योंकि सिम्बियोट एक्सट्रीम हीट को सह नहीं कर सकते थे। वहीं वेनम पर भी इसका असर हो जाता है और वो एडी को गुड बाय कहता है और फिर वो एडी के चारों ओर शील्ड बनाकर एडी को बचा लेता है। लेकिन उसमें वेनम खुद मारा जाता है और एडी पानी के अंदर गिर जाता है और सेफली बच जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी और एन दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एडी एन को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है। एन एडी से कहती है कि मुझे वेनम की मौत का अफसोस है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा होता है क्योंकि वेनम एडी से मन में बातें कर रहा होता है। एन भी समझ जाती है कि एडी उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन तभी एडी उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। फिर एडी चलते चलते वेनम से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर किसी इंसान को नहीं खाओगे। तुम बस उसी इंसान को मारोगे पीटोगे जो बहुत बुरे होंगे, और तुम कभी कभी ही बुरे इंसानों को खाओगे। फिर एडी मिसेस चेन की शॉप में जाता है क्योंकि वेनम को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो वहाँ चॉकलेट खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ वापस से वही गुंडा आ जाता है जो बार बार मिसेस चेन को धमकाकर उनसे पैसे वसूला करता था। वेनम एडी को कहता है कि वो बुरा आदमी है। फिर वेनम अपने पूरे शेप में आकर उस गुंडे पर अटैक कर देता है और उसे कच्चा ही पूरा खा जाता है। मिसेस चेन ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और वो एडी से पूछती है कि ये क्या है। तो एडी उन्हें बताता है कि मुझ में एक कीड़ा है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें वेनम 2 मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जाता है जिसका नाम क्लेट्स होता है। क्लेट्स उसे कहता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा और हर जगह कत्लेआम करूंगा, जिसे कहते हैं कार्नेज। इस कहानी की शुरुआत 1996 से होती है जहाँ हमें कैलिफोर्निया के सेंट एस्टीज स्कूल को दिखाया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें उनके परिवार वाले पसंद नहीं करते थे। इसी स्कूल में हमें क्लेट्स और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो अपने अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और उनके रूम मेंटल हॉस्पिटल की तरह होते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है तो क्लेट्स उसे पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा। तो फ्रांसिस कहती है कि मेरी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है और मेरी शक्तियाँ काफी ज्यादा है, इसीलिए वो मुझे यहाँ से ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मेरे जैसे इंसान होंगे। तो क्लेट्स उसे हिम्मत देता है कि वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकते क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर फ्रांसिस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तो फ्रांसिस उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्लेट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो ऑफिसर फ्रांसिस को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फ्रांसिस को उन ऑफिसर पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उन सब पर अटैक कर देती है क्योंकि उसके पास वोकल की सोनिक पावर होती है जो इतनी खतरनाक थी कि वो किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। फ्रांसिस के साउंड
साउंड की वजह से उस ऑफिसर के कान में ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसीलिए अपने बचाव में उसकी आंख पर गोली मार देता है। वहीं जब फ्रांसिस की आंख खुलती है तो देखती है कि उसकी एक आंख डैमेज हो चुकी है और वो रेवेनक्रॉट हॉस्पिटल में होती है। वहीं फिर हमें पर्जेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम रेवेनक्रॉट हॉस्पिटल को देखते हैं। रेवेनक्रॉट हॉस्पिटल वो जगह होती है जिसे हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था, जहां स्पाइडरमैन के दुश्मन इलेक्ट्रोमैन को रखा गया था। फिर हमें यहां एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो एक वोट बॉय के थ्रू फ्रांसिस को खाना और न्यूज़पेपर भिजवाती है। फ्रांसिस जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसमें क्लेट्स के बारे में न्यूज छपी हुई होती है कि क्लेट्स को मौत की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस को उसकी कत्ल की हुई डेड बॉडीज नहीं मिली है, जिसकी वजह से उसकी डेथ सेंटेंस रुकी हुई है। और यहाँ पर ट्विस्ट की बात तो यह होती है कि आर्टिकल 80 ब्रोक नहीं छापा हुआ था। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि क्लेट्स जैसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से बात कर रहा होता है, क्योंकि पैट्रिक क्लेट्स के केस पर ही काम कर रहा था। वो एडी से कहता है कि क्लेट्स तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि वो शायद तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। तो एडी कहता है कि मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। तो पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है और शायद वो तुम्हें उसकी कत्ल की हुई डेड बॉडीज के बारे में कुछ बताना चाहता हो। तभी वेनम एडी के शरीर से निकलकर पैट्रिक को खाने लगता है, मगर तभी एडी उसे रोककर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। पास में ही मौजूद एक लेडी और पैट्रिक भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वेनम एडी को कहता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें यहाँ इसकी बकबक सुननी चाहिए। तो एडी उसे कहता है कि क्लेट्स मुझे कुछ सबूत देना चाहता है। तो वेनम उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुम कुछ भी काम सही से नहीं कर सकते। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें मेरे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। फिर एडी क्लेट्स के पास पहुँचता है। एडी उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो क्लेट्स उसे कहता है कि मैं मौत की तहलीज पर खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तुम मेरे फैंस के लिए एक पैगाम पहुँचा दो और बदले में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के राज बताऊंगा, और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैंने जितने भी कत्ल किए हैं उनकी डेड बॉडीज को मैंने कहाँ दफनाया है। तो एडी उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो। तो क्लेट्स उसे कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, जिसके बाद एडी वहाँ से निकलने लगता है। तभी वेनम वहाँ एडी का ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ पेंटिंग्स पर कर देता है, जिसके अंदर एक कैथेड्रल भी होता है और साथ ही वहाँ कब्र के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए होते हैं। क्लेट्स एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही पैट्रिक एडी से पूछता है कि तुम्हें क्लेट्स ने क्या बताया। तो एडी उसे कहता है कि अभी तक तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और वैसे भी इस तरह के कामों में थोड़ा वक्त लगता है। तो पैट्रिक उसे कहता है कि जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एडी वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। घर आकर वेनम अपनी पावर की मदद से उन सभी पेंटिंग्स और मैसेज को वापस से कागज पर डिकोड करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि क्लेट्स ने रोडियो बीच पर ही सारी लाशें छुपाई है, और वो इस बात की खबर पुलिस को दे देता है, जिससे पुलिस की सारी टीम वहाँ पहुँच कर उन सभी डेड बॉडीज को निकाल लेती है। एडी के इस काम से रिपोर्टर हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत कोशिश करने के बाद भी क्लेट्स की इन छुपाई हुई डेड बॉडीज को नहीं ढूंढ पाए थे, जिससे अब एडी पूरी सिटी में नंबर वन रिपोर्टर बन जाता है। पैट्रिक भी इस न्यूज को अखबार में पढ़ता है और उसे एडी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पूछने पर भी एडी ने उसे कुछ नहीं बताया था। और अब सबूत मिल जाने की वजह से क्लेट्स को मौत की सजा सुना दी जाती है, जिससे क्लेट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं फ्रांसिस को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है, और ये खबर सुनने के बाद वो काफी ज्यादा टूट जाती है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है, जिसे वेनम कहता है कि अब मैं मुर्गियाँ खा खा कर थक चुका हूँ और अब मैं इंसानों को खाना चाहता हूँ। तो एडी उसे कहता है कि हम ऑलरेडी क्लेट्स के केस में उलझे हुए हैं, इसीलिए हमें अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और अगर अभी किसी भी इंसान की मौत हुई या फिर कोई भी इंसान गायब हो गया तो FBI का सारा शक हम पर ही आएगा, इसीलिए हम इस वक्त कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। वेनम एडी को परेशान करने लगता है कि मुझे खाना चाहिए। इससे परेशान होकर एडी मिसिस चेन की शॉप में जाता है, ताकि वो वहाँ से वेनम के लिए चॉकलेट खरीद सके, लेकिन वहाँ चॉकलेट नहीं होती, इसीलिए फिर वो दोनों एक पोल्ट्री फार्म में जाते हैं, जहाँ वेनम बहुत सारी मुर्गियों को सीधा ही खा जाता है। वो वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी रास्ते में वेनम देखता है कि एक गुंडा एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वेनम उसकी मदद करने जाता है और वो उस गुंडे को पकड़कर खाने लगता है। तो एडी उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे मत खाओ। तो वेनम भी उसकी बात मान लेता है और उस गुंडे को कचरे में फेंक देता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एडी को इनका कॉल आता है। एडी इनसे बात करता है। एन उसे मिलने के लिए रात 8 बजे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। एडी भी उसे मिलने के लिए मान जाता है।
जाता है। फिर उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वो एन से मिलता है और वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। साथ ही वेनम भी एडी से मन में ही बात कर रहा था, जिससे एन को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एडी के अंदर वेनम जिंदा है, क्योंकि एन को ऐसा लगता था कि वेनम के फर्स्ट वाले पार्ट में वेनम मारा गया है। इसीलिए उसे पूछती है कि क्या वेनम इस वक्त भी तुम्हारे साथ है, जिस पर एडी कहता है कि वेनम तो मर चुका है। फिर एन एडी को बताती है कि मैंने डेन से एंगेजमेंट कर ली है। ये देखकर एडी बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तभी एन कहती है कि हाय वेनम, एडी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी एडी के अंदर हो, इसीलिए प्लीज अब तुम एडी का ख्याल रखना। ये सुनकर एडी वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। एडी बहुत उदास होता है, तो वेनम उसे कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, हम बहुत ही बड़े बड़े कामों के लिए बने हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम एक एलियन हो। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वेनम खुद ही अपना खाना पका रहा होता है। वो एडी को खुश करने की कोशिश करता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। और फिर वेनम एडी को उसके आए हुए लेटर भी लाकर देता है। वो लेटर क्लेट्स ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि मुझे मौत की सजा दिलवाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। और साथ ही वो उस लेटर में अपनी पुरानी काली करतूतों के बारे में भी बताता है कि अगर वो पैदा ना होता तो उसकी दादी को कौन मारता, उसकी माँ को बाथटब के अंदर हेयर ड्रायर डालकर कौन मारता। इसका मतलब ये है कि क्लेट्स ने खुद अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा। आगे क्लेट्स ये भी बताता है कि ये सब कुछ होने के बाद उसके डैड ने उसे बहुत मारा और सेंट एस्टेज स्कूल में भेज दिया, जहाँ के बच्चे उसे बहुत मारते थे। लेकिन फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो कि एक म्यूटेंट थी। उसने क्लेट्स को सारे बच्चों से बचाया, जिस वजह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे लेटर में वो ये भी बताता है कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो एडी भी वेनम से कहता है कि हमें भी उससे मिलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी क्लेट्स से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ क्लेट्स उसे कहता है कि मैं हमेशा से ही एक परिवार के लिए तरसता रहा हूँ, जिसके रिप्लाई में एडी उसे कहता है कि तुमने तो खुद ही अपने परिवार वालों को मार दिया, फिर तुम परिवार के लिए क्यों तरस रहे हो। तो क्लेट्स उसे कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम अपने परिवार वालों के लिए एक कैंसर हो, क्योंकि तुमने एन को धोखा दिया। इससे वेनम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है। क्लेट्स भी खुद को छुड़वाने के लिए एडी के हाथ पर बाइट कर लेता है, लेकिन तभी गार्ड आकर एडी को उसे छुड़वा देता है। एडी वहाँ से जाने लगता है तो क्लेट्स उसे कहता है कि मैंने पहले भी खून को चखा है, लेकिन तुम्हारा खून कुछ अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लेट्स ने जब एडी को काटा था तो वेनम का छोटा सा टुकड़ा क्लेट्स के मुंह में ही रह गया था, जिससे ही अब कार्नेज का जन्म होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि एडी अपने घर पहुंचता है तो वेनम एडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने क्लेट्स को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मेरे ऊपर आता, लेकिन तुम इन सब के बारे में कहाँ सोचते हो, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो वेनम उसे कहता है कि मेरे आने से पहले तुम एक लूजर थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, मैंने तुम्हें हीरो बनाया। इन्हीं बातों को लेकर उन दोनों में बहस होने लग जाती है। एडी वेनम को कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। तो वेनम उसे कहता है कि मेरी वजह से ही तुम फेमस हुए हो। इन सभी बातों की वजह से उन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे एडी को बहुत गुस्सा आता है और वो वेनम को यहाँ से चले जाने को कहता है। इससे वेनम को भी काफी गुस्सा आता है और वो रूम में तोड़फोड़ करने लग जाता है। वो एडी को बहुत मारता है, फिर वो गुस्से में एडी का शरीर छोड़कर निकल जाता है, जहाँ से जाते वक्त वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। वहीं हमें क्लेट्स को दिखाया जाता है, जिसे आज मौत की सजा सुनाई गई थी, और जब उसे इंजेक्शन देकर जान से मारा जाता है तो क्लेट्स की बॉडी में मौजूद वेनम का टुकड़ा ग्रो करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक और नए सिम्बियोट का जन्म होता है, जिसका नाम कार्नेज होता है। ये देखकर सभी लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। कार्नेज बाहर निकलकर सभी लोगों को मार देता है। कार्नेज बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है, वो सभी ऑफिसर को मारकर खा जाता है और जेल के सारे कैदियों को आजाद करके बाहर निकाल देता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो अपने घर को वापस से ठीक कर रहा होता है। वो रात को जब न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि क्लेट्स जेल से भाग गया है। ये देख एडी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके डोर को कोई जोर से नॉक करता है और जब एडी दरवाजा खोलता है तो पैट्रिक होता है। पैट्रिक इस पूरे कांड का जिम्मेदार एडी को ठहराता है। तो एडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्लेट्स वहाँ से कैसे भाग गया और तुम मुझे इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो पैट्रिक उसे कहता है कि क्लेट्स ने सिर्फ तुमसे मुलाकात की थी और हो सकता है कि तुम भी उसी के साथ मिले हो, इसीलिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो तुमसे मिलने आया होगा। तो एडी उसे कहता है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वेनम धीरे धीरे करके बॉडीज को चेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने हिसाब की कोई भी बॉडी नहीं मिल पा रही थी। फिर वो एक लड़की के अंदर चला जाता है,
जहां वो अपने फुल शेप में आ जाता है, क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी जिसमें बहुत से लोग कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि वेनम ने भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है और वो काफी ज्यादा बड़ा और स्मार्ट लग रहा था, इसीलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ सेल्फी क्लिक करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लेट्स को दिखाया जाता है जो एक कार चुराकर भाग रहा होता है। क्लेट्स कार्नेज से बातें करता है जिस तरीके से एडी वेनम से बात किया करता था। कार्नेज क्लेट्स को कहता है कि अभी मेरे अलावा इस दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बियोट है और वो है वेनम, इसीलिए अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दे तो पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। तो क्लेट्स कहता है कि मुझे सबसे पहले अपनी फ्रांसिस को छुड़वाना है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच डील हो जाती है। लेकिन क्लेट्स को ये पता नहीं होता कि फ्रांसिस कहाँ है। वहीं फिर हमें वेनम को दिखाया जाता है जो उस पार्टी में काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो कहीं ना कहीं एडी को भी मिस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एडी उस स्कूल में पहुँचता है जहाँ क्लेट्स को रखा गया था। वहाँ उसे एक पेड़ पर सीके लव से भी लिखा मिलता है। एडी पेट्री को कॉल करता है और उससे पूछता है कि एबी का मतलब क्या है, तो उसे बताता है कि एबी का मतलब फ्रांसिस बेरिसन है, लेकिन उसे कहता है कि वो तो मर चुकी है क्योंकि जब हम उसे लेकर जा रहे थे तो मैंने उसकी आंख पर गोली मार दी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लेट्स को दिखाया जाता है जो एक शॉप में जाकर उसके ओनर को मार देता है। फिर वो वहाँ रखे कंप्यूटर को हैक करके उस सीक्रेट लोकेशन रेवनक्रॉफ्ट के बारे में भी पता कर लेता है। क्लेट्स वहाँ पहुँच कर कार्नेज की मदद से सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है, फिर वो फ्रांसिस से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देख कर काफी खुश होते हैं। कार्नेज फ्रांसिस को आजाद कर देता है और फिर ये तीनों वहाँ से कार से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को भी इसके बारे में पता चल जाता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। लेकिन कार्नेज एक एक करके सारी गाड़ियों को उठा उठा कर फेंकने लग जाता है और सभी पुलिस वालों को जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ वेनम मिसेज चेन की शॉप में पहुंचता है और उनके शरीर के अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि एडी के घर के पास उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिली थी जो वेनम की वजह से मारे गए थे। पेट्रिक एडी को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, मगर एडी उसे कहता है कि मैं फोन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एडी एन को कॉल लगाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। एन डेन के साथ एडी से मिलने के लिए आती है। एडी एन को बताता है कि शहर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्लेट्स कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो रेड कलर का मॉन्स्टर है वो एक नया सिम्बियोट है जिसका नाम कार्नेज है। साथ ही एडी एन को ये भी बताता है कि वो और वेनम अब साथ में नहीं है, इसलिए वो एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर वेनम को ढूंढ ले, क्योंकि वेनम ही कार्नेज को हरा सकता है। फिर एन वेनम को ढूंढने चली जाती है। वो सबसे पहले मिसेस चेन के पास जाती है क्योंकि उसे पता था कि मिसेस चेन वेनम को जानती है, इसीलिए उनसे मिलकर पूछती है कि क्या आपको वेनम के बारे में कुछ पता है। मगर यहाँ ट्विस्ट की बात तो ये होती है कि वेनम तो खुद ही मिसेस चेन की बॉडी के अंदर छुपा हुआ होता है। वेनम एन को कहता है कि वो इस वक्त एडी से काफी ज्यादा नाराज है, इसीलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। तो एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी होगी। ये सब सुनने के बाद फाइनली वेनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हमें क्लेट्स और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो पूरे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ कार्नेज क्लेट्स की बॉडी से निकलकर उन्हें कहता है कि अब हमें अपने प्लान के मुताबिक वेनम को खत्म करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एन एडी से मिलने के लिए जाती है और वेनम भी उसी के अंदर होता है। फिर वो तीनों वहाँ से दीवार तोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ पर वेनम एडी को सॉरी बोलने को कहता है। फिर एडी भी वेनम से माफी मांग लेता है। वो एन को डेन के साथ घर भेज देता है। वहीं फिर हमें पेट्री को दिखाया जाता है जो सड़कों पर एडी को ढूंढ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे क्लेट्स दिखाई देता है और उस पर फायर करने लगता है। लेकिन तभी कार्नेज बाहर आ जाता है और वो पेट्रिक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो एडी को ढूंढते हुए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर उसे एन की एंगेजमेंट रिंग मिलती है जो एन ने एडी को वापस लौटा दी थी। वो उस रिंग को वहाँ से उठा लेती है। तभी उसे वहाँ एन का फोटो दिखाई देता है जिसमें एन के नए घर की पिक्चर होती है। इसीलिए फ्रांसिस एन को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है, जहां पर एन और डेन वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां फ्रांसिस एन के पास जाकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो डेन के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम एन को बचाना चाहते हो तो इस लोकेशन पर पहुंच जाना। फिर फ्रांसिस वहां से चली जाती है। डेन काफी घबरा जाता है और वो एडी को कॉल करके बताता है कि फ्रांसिस एन को कैथेड्रल में ले गई है। एडी भी वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं फिर हमें उस कैथेड्रल को दिखाया जाता है जहां पर फ्रांसिस और क्लेट्स दोनों ही शादी करने वाले थे। वहां पर उन्होंने पेट्रिक और एन को भी बंदी बनाया होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि एडी भी वहां पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब वेनम और एडी भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां वेनम जैसे ही कार्नेज को देखता है तो वेनम डरकर वापस से एडी के अंदर छिप जाता है।
आता है। एडी वेनम से पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, तो वेनम उसे कहता है कि वो कार्नेज है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और चालाक होते हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम सिर्फ बाहर आ जाओ, उसके बदले में तुम जिसे चाहो उसे खा सकते हो और मैं तुम्हें कभी भी किसी इंसान को खाने से मना नहीं करूंगा। ये सुनकर वेनम में भी जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ कार्नेज पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेनम भी पूरे जोश के साथ कार्नेज को धो रहा होता है, लेकिन तभी कार्नेज उसे पकड़ लेता है और उसे इंजर्ट करने लग जाता है। वहीं फ्रांसिस की सोनिक पावर की वजह से कार्नेज को काफी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है। फिर फ्रांसिस पेट्रिक को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, क्योंकि पेट्रिक ने ही उसकी आंख पर गोली चलाई थी, इसीलिए फ्रांसिस उससे अपना बदला लेने के लिए उसकी एक आंख फोड़ देती है। वहीं वेनम कार्नेज पर हमला करके उसे अपने आप से दूर फेंक देता है और मौके का फायदा उठाते हुए डेन वहाँ कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इन्हें बताया होता है कि सिम्बियोट को एक्सट्रीम हीट और साउंड से प्रॉब्लम होती है। लेकिन तभी उस केन में पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार्नेज डेन पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ वेनम आकर उसे बचा लेता है। साथ ही वहाँ कैथेड्रल में एक बहुत ही बड़ा घंटा भी होता है जो क्लॉक के साथ बज रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही सिम्बियोट अपने होश की बॉडी से अलग होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साउंड शांत होता है तो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं और वेनम कार्नेज को पकड़कर कैथेड्रल की दीवारों पर मारने लग जाता है। लेकिन तभी कार्नेज अपने आप को संभाल लेता है और वेनम पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर कार्नेज इनको लेकर कैथेड्रल के टॉप पर जाने लगता है, जिससे कैथेड्रल का मलबा वेनम के ऊपर गिर जाता है। वेनम उस मलबे के अंदर दब जाता है। वेनम एडियो कहता है कि इस बार की ये जंग हम नहीं जीत सकते, क्योंकि कार्नेज मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़कर मारने लगता है, क्योंकि उसके साउंड की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। क्लेट्स फ्रांसिस को बचाने के लिए कार्नेज से अलग होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे अलग नहीं हो पाता। वेनम भी ये सब देख रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों आपस में पूरी तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं। एडी भी वेनम से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही एक परफेक्ट मैच है, हमारे अलावा और कोई भी परफेक्ट मैच नहीं हो सकता। ये सुनकर वेनम में और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो उन पत्थरों से बाहर आ जाता है। वेनम एक रोड को उठाकर कैथेड्रल की टॉप की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं कार्नेज इनको खाने ही वाला होता है कि तभी वेनम उस रोड को कार्नेज के सिर में घुसा देता है, जिससे इन सीधी जमीन पर गिरने लग जाती है। मगर सही वक्त पर आकर वेनम उसे बचा लेता है, लेकिन तभी कार्नेज वेनम पर अटैक करके उसे इंजर्ट करने लग जाता है। मगर वेनम फिर भी इनको सुरक्षित नीचे उतार देता है। फिर वेनम वापस से ऊपर आता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और कार्नेज बार बार उसके ऊपर वार कर रहा था। तभी वहाँ फ्रांसिस भी होश में आ जाती है। ये देखकर वेनम उसे नीचे धक्का दे देता है, जिससे वो गिरते वक्त घबराहट में चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से कैथेड्रल की सारी दीवारें और कांच टूटने लग जाते हैं। और इतनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड की वजह से दोनों सिम्बियोट भी होश से अलग हो जाते हैं। सब नीचे गिर रहे होते हैं, तभी कैथेड्रल का बहुत बड़ा घंटा आकर फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वही डेथ हो जाती है। वही डेन और एन मिलकर वेनम को एडी के पास पहुँचाते हैं, जिससे वेनम वापस से अपने शेप में आ जाता है। वही क्लेट्स भी जमीन पर गिर जाता है और कार्नेज भी उससे अलग हो जाता है। कार्नेज वापस से क्लेट से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे कच्चा ही खा जाता है। और फिर वो क्लेट्स को पकड़कर उसे भी मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। यह देखकर एडी, डेन और एन वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर एडी डेन को कहता है कि तुम एन को अपने साथ ले जाओ। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उस हादसे के अंदर पेट्रिक भी जिंदा बच गया होता है और उसकी आंखें नीली पड़ गई थी। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनम और एडी बीच के किनारे पर बैठे हुए होते हैं और अब वेनम भी उसे घुमाने के लिए थैंक्स कहता है। वो फिर उसे कहता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो एडी उसे कहता है कि अब हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ दुनिया को हमारी जरूरत हो। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ वेनम और एडी साथ में टीवी देख रहे होते हैं। एडी वेनम से कहता है कि हमें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए, तो वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम उन बातों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें उन सभी चीजों की झलक दिखाने वाला हूँ जिनका हम सभी सिम्बियोट ने एहसास किया है। तो एडी उसे कहता है कि मैं रेडी हूँ, मगर तभी वहाँ टीवी फ्लिकर करने लग जाता है और सभी चीजें अचानक से बदल जाती है। एडी को ऐसा लगता है कि यह सब वेनम कर रहा है, लेकिन वेनम उसे कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। तभी टीवी में वहाँ एक न्यूज आने लगती है, जिसमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसीयू वाले स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को अभी अभी हराया था। इससे हमें पता चलता है कि अब वेनम भी एमसीयू का हिस्सा बन चुका है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियो
वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।